वेलकम दोस्तों, इंजीनियर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको हीरो सुपर स्प्लेंडर बीएस6 के साथ होंडा एसपी 125 बीएस6 का फुल कंपेयर करके दिखाने चला हूं। अगर इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक आप खरीदना चाहते हो तो आज का ये वीडियो खास करके आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों बाइक में से कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। होंडा एसपी 125 को एक नया स्टाइलिश डिजाइन के साथ कंपनी ने मार्केट पे लॉन्च किया है। ग्रीन, ब्लू, ग्रे, रेड ये फोर कलर इस बाइक को काफी स्टाइलिश लुकिंग प्रोवाइड करता है। 74,000 के आसपास पे इसकी एक शोरूम प्राइस है। अब बात करते हैं सुपर स्प्लेंडर की। बीएस6 पे इसका डिजाइन कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है। एक नया स्टाइलिश डिजाइन के साथ कंपनी ने इस पे भी फोर कलर दिया है। एक शोरूम प्राइस 70,000 रुपीज के आसपास पे रखा गया है। इस पे की फ्रंट वाइजर एंड हेडलाइट की डिजाइन काफी स्टाइलिश बनाया गया है। यहाँ पे LED लाइट यूज किया गया है। दूसरी ओर स्प्लेंडर की फ्रंट वाइजर एंड हेडलाइट की डिजाइन बीएस6 पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे हैलोजन बल्ब यूज किया गया है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्टाइलिश एसपी का है। एसपी की फ्रंट सस्पेंशन पे कंपनी ने सिर्फ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है। दूसरी ओर स्प्लेंडर की फ्रंट सस्पेंशन पे कंपनी ने टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया है, जो कि एसपी से बेस्ट परफॉर्म करता है। एसपी की फ्रंट टायर की साइज पे 80/118 का ट्यूबलेस टायर कंपनी ने दिया है एंड इसकी प्रेशर है 25 PSI। दूसरी ओर स्प्लेंडर के फ्रंट टायर की साइज है 80/118 ट्यूबलेस टायर एंड इसकी टायर प्रेशर है 30 PSI। इसपी की फ्रंट ब्रेकिंग पे ऑप्शनल ब्रेकिंग देख पाओगे। इसकी डिस्क ब्रेक की साइज है 240 mm। दूसरी ओर स्प्लेंडर की फ्रंट ब्रेकिंग पे भी आप सेम ही साइज देख पाओगे। इसका भी फ्रंट ब्रेकिंग पे डिस्क या ड्रम ऑप्शनल ब्रेकिंग है एंड इसकी डिस्क ब्रेक की साइज है 240 mm। एसपी 125 की मीटर कैपेसिटी को काफी स्टाइलिश बनाया गया है। यहाँ पे स्पीड मीटर, फ्यूल मीटर सब कुछ यहाँ पे डिजिटल देख पाओगे एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किया है। दूसरी ओर स्प्लेंडर की मीटर कैपेसिटी ओल्ड मॉडल का है। यहाँ पे स्पीड मीटर, फ्यूल मीटर दोनों ही एनालॉग देख पाओगे। एसपी की कार्प वेट है 118 kg। इसकी व्हील बेस है 1285 mm। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 11 लीटर। दूसरी ओर स्प्लेंडर की कार्प वेट है 123 kg। इसकी व्हील बेस है 1273 mm। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 12 लीटर। एसपी की जो इंजन है यहाँ पे आप सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वाल्व एयर कूल्ड SI इंजन देख पाओगे 124 cc का। इसकी मैक्स पावर पे 7500 RPM पे या 10.8 PS की पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क पे 6000 RPM पे या 10.9 Nm की टॉर्क पैदा करती है। दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर की जो इंजन है यहाँ पे एयर कूल्ड टू वाल्व फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OAC 124.7 cc का इंजन देख पाओगे। इसकी मैक्स पावर है 7000 RPM पे या 10.8 PS की पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क पे 6000 RPM पे या 10.6 Nm की टॉर्क पैदा करती है। वैसे इन दोनों में से एसपी का थोड़ा सा ज्यादा इंजन पावर है। एसपी की रियर सस्पेंशन पे कंपनी ने हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया है। वैसे इन दोनों में से सस्पेंशन की परफॉर्म पे सुपर स्प्लेंडर का बेस्ट है। वही दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर के पीछे की सस्पेंशन पे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया है। एसपी की रियर टायर की साइज पे 80/118 का ट्यूबलेस टायर कंपनी ने दिया है एंड इसकी प्रेशर है 25 PSI। दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर के पीछे की टायर की साइज पे 90/90/18 का ट्यूबलेस टायर दिया है। इसकी प्रेशर है 30 PSI। एसपी की बैकलाइट की डिजाइन कंपनी ने काफी स्टाइलिश बनाया है। यहाँ पे LED लाइट यूज किया गया है। आप देख सकते हो आपके सामने है, काफी स्टाइलिश है। दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर की बैकलाइट की डिजाइन बीएस6 पे थोड़ा सा चेंजेस किया है। यहाँ पे भी काफी नाइस बैकलाइट की डिजाइन देख पाओगे। यहाँ पे बल्ब यूज किया गया है। इसपे की पीछे की ब्रेकिंग पे कोई भी ऑप्शनल ब्रेकिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक है। इसकी साइज है 130 mm। दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर की पीछे की ब्रेकिंग पे भी आप सेम देख पाओगे। यहाँ पे भी सिर्फ ड्रम ब्रेक है। इसकी साइज है 130 mm। दोस्तों, मैंने इन दोनों बाइक की सारी पार्ट्स को पार्ट पार्ट करके डिफरेंट करके डिटेल्स में आप सबको दिखाया। एसपी को कंपनी ने काफी स्टाइलिश बनाया है, सुपर स्प्लेंडर उतना स्टाइलिश नहीं है। लेकिन दोस्तों, सुपर स्प्लेंडर की पेयर पार्ट्स जितना स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग पेयर पार्ट्स एसपी पे नहीं है। एसपी 125 थोड़ा सा पुराना होते ही इसकी चेन सॉकेट पे प्रॉब्लम आएगा एंड इसकी प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। सुपर स्प्लेंडर की चेन सॉकेट पे कोई भी प्रॉब्लम देख नहीं पाओगे। वैसे इन दोनों में से इंजन पावर थोड़ा सा एसपी का ज्यादा है। इन दोनों बाइक की माइलेज करीबन सेम ही देख पाओगे एंड कीमत पे भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सो गाइस, अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश बाइक खरीदना चाहते हो तो एसपी 125 आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग बाइक खरीदना चाहते हो तो सुपर स्प्लेंडर आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा बाइक आप खरीदना चाहते हो। अगर मेरी राय मानो तो सुपर स्प्लेंडर खरीदना। सो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।